नीतीश कुमार के पार्टी से अलग होने के कारण आगामी चुनाव में बीजेपी की सेहत पर क्या असर पड़ सकता है? बीजेपी की सेहत पर तो बहुत अच्छा असर पड़ रहा है कि और मजबूती के साथ उभर और अपने बल बूते चुनाव लड़ेंगे। अगर लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, 35 का टारगेट दिया है अमित शाह जी ने, 35 सीट हम जीतेंगे। हम 40 का दावा नहीं कर रहे, उसको छोड़ दीजिए दूसरे के लिए। ऐसा तो नहीं ना होगा कि भाषण में सारी बातें कहा हमने दोहराऊंगा नहीं, लेकिन आप जो पूछना चाहते हैं सवाल पूछ। आज राजद की बैठक थी पटना में, हम बताएंगे कहाँ से है, किस चैनल से है, किस अखबार से जी। ये संतोष गुप्ता न्यूज 18 से हैं सर। आज राजद की बैठक थी पटना में, 40 का लक्ष्य तेजस्वी ने कहा है कि 40 पर हम लोग आएंगे। अच्छी बात है, ठीक है, कोई कितनी नहीं। सर आपने नालंदा की बात की थी, जाकिर अली कशिश न्यूज से। सर नालंदा की आपने बात की कि नालंदा से ही बमुश्किल जीतते हैं और आगे प्रधानमंत्री का सपना देखना थे, तो आपके साथ ही रह के बमुश्किल जीते थे और बीच में दो जो सीटें आई थी वो आपसे अलग हट गई। अभी उनका जो भविष्य है जिसको लेके आप बात कर रहे हैं, क्या लगता है सर कि आगे कितना कहाँ तक जा सकते हैं? देखिए, लोगों को लगता है कि दो दल मिल गए या 7 दल मिल गए तो वोट की ट्रांसफर हो जाए, राज्य में ऐसा होता नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मायावती और सपा का गठबंधन, उसको भी महागठबंधन कहा गया, और वहाँ की जो दो प्रमुख पार्टियाँ थी सपा और बसपा दोनों मिल गए और प्रचार किया गया, यादव मुसलमान ललित माटले पिछड़ा सारे एकजुट हो गए और रिजल्ट क्या हुआ, 64 सीट 75 में जनता दल यू और सपा और बसपा 11-12 सीट जीत पाई मुश्किल से। भारतीय जनता पार्टी 64 सीटें जीतने में सफल हुई। उसके पहले विधानसभा का चुनाव था और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़े और नारा लगा कि दो दोस्तों की यारी यूपी को पसंद है। दो नौजवान थे और 19वीं नारा लगा था बुआ और बबुआ की जोड़ी, इनका वोट ट्रांसफर। देखिए विधानसभा में जो लगाती थी और जिसको हम लोग सपना में लाके नहीं जानते थे कि रामचंद्र बाजी कौन है, ये ताकत है मित्रों नरेंद्र मोदी की, और यही कारण है नरेंद्र मोदी की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।